HNB UAMU स्टे काउंसलिंग प्रोसेस 2023, जैसे कि तमाम स्टूडेंट को पता है स्टे काउंसलिंग की प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसके बाद भी यहाँ पे कोई काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, ये भी मैं डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा स्टूडेंट, खासकर उन स्टूडेंट को जिन्हें कॉलेजेस एलोटेड हो चुके हैं और साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट जिन्हें अभी तक कोई कॉलेजेस एलोटेड नहीं हुए, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू की मैं यहाँ पर बात करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं आज के अपडेट के रिगार्डिंग, तो ध्यान देना स्टूडेंट, बीएससी नर्सिंग में सीटें फुलफिल हो चुकी है। जहां भी सीटें वैकेंट बची थी उसके रिगार्डिंग बच्चे वहां पे गए थे, सबको कॉलेजेस मिल चुके हैं। सेम यहां पे बात करते हैं जेएनएम एनएम और पैरामेडिकल के रिगार्डिंग, तो काफ़ी स्टूडेंट्स से कॉल आ रही थी कि सर यहाँ मना कर रहे कि हमें यहाँ पे एडमिशन के लिए मना कर दिया है, ओनली बीएससी नर्सिंग वालों की हो रही है। तो देखो स्टूडेंट, मैं जो इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड हुई मैं उसी बेस पर कह रहा हूँ, बाद में शायद ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी थी और जेएनएम एएनएम में भी बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिल चुका था। अगर नहीं मिला है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे इसके रिगार्डिंग आप बता देना। अब यहाँ पे बात करता हूँ स्टे राउंड के बाद अनदर काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, तो देखो स्टूडेंट ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे प्लस सीट पे। जेएनएम के रिगार्डिंग मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट, सीटें यहाँ पे वैकेंट रह सकती है क्योंकि एक स्टूडेंट है जिसने जेएनएम का हरिद्वार का कॉलेज से उन्हें एलोटेड हुआ था लेकिन उन्होंने स्टे काउंसलिंग में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लिया, तो काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने स्टे काउंसलिंग के थ्रू जेएनएम की मैं सीट छोड़ के बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लिया होगा, लेकिन यहाँ पे चांसेस बनते हैं। लेकिन स्टूडेंट उसके रिगार्डिंग मैं तभी आपको कंफर्म बताऊंगा जब यहाँ पे जो अनाउंसमेंट का सेक्शन आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपके रिगार्डिंग कोई अपडेट यहाँ पे आएगा, देन मैं आपको अपडेट बताऊंगा। लेकिन स्टूडेंट तब तक मैं कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकता हूं जब तक यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँगा स्टूडेंट स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। जैसे कि मैं प्रत्येक वीडियो में डिस्कस करता हूँ, जैसे कि मैंने पूर्व की वीडियोस में स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था स्टूडेंट, कि आप तमाम स्टूडेंट को चाहे हो बीएससी नर्सिंग वाले हो, जेएनएम वाले हो, एनएम वाले हो, पैरामेडिकल वाले हो या एमएससी नर्सिंग वाले हो, तमाम स्टूडेंट को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के द्वारा उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है। अनफॉर्चुनेटली इस बार किसी भी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिली क्योंकि पर्टिकुलर कॉलेजेस वालों ने मना कर दिया था वेरीफाई के लिए, तो डोंट बी पैनिक स्टूडेंट, जो बाकी ईयर आपके बचे हैं उसके रिगार्डिंग आपको अपडेट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन दूसरा जो बड़ा बेनिफिट मैं तमाम स्टूडेंट को बताना चाहूँगा वो है गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग, तो ध्यान देना स्टूडेंट, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, जिन स्टूडेंट ने मेरी प्रीवियस ईयर की वीडियो प्रीवियस जो वीडियोज़ थी वो देखी होगी, जो मैंने कहा था स्टूडेंट अब आप पढ़ाई में अपना माइंडसेट बना देना क्योंकि जो सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पे परसेंटेज बेस पे होने वाला है, काफ़ी तगड़ा कंपटीशन यहाँ पे होता है स्टूडेंट। ईयर वाइज उन्हीं स्टूडेंट को सबसे पहले प्रेफरेंस मिलती है जिनके परसेंटेज यहाँ पे ज़्यादा रहती है, चाहे वो एनएम वाले हो, जेएनएम वाले हो, बीएससी नर्सिंग वाले हो। आई होप ये डाउट्स मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं क्योंकि जो जॉब का क्राइटेरिया स्टूडेंट परसेंटेज बेस में यहाँ पे उत्तराखंड स्टेट में होता है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग की बात करें, जेएनएम की बात करें, एनएम की बात करें। रिसेंटली आपने देखा होगा एनएम स्टूडेंट का जो रिजल्ट आया था 824 पोस्ट के लिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ स्टूडेंट वहाँ पे कैसा सिलेक्शन प्रोसेस हुआ था, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा क्यों मैं आपको कह रहा था कि आपके परसेंटेज यहाँ पे बहुत मायने रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट परसेंटेज बेस पे जो फर्स्ट टॉपर से 2005 बैच के थे उनके परसेंटेज आप देख सकते हैं 84% यहाँ पे एनएम में थे। धीरे धीरे देख सकते हैं स्टूडेंट रिड्यूस यहाँ पे परसेंटेज हो रखे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ईयर वाइज यहाँ पे स्टूडेंट मिला हुआ है, लेकिन उन्हीं स्टूडेंट को मिला है जिन स्टूडेंट के परसेंटेज ज़्यादा है, बाकी स्टूडेंट का नंबर यहाँ पे नहीं आया है। देख सकते हैं स्टूडेंट 2011 में भी काफ़ी स्टूडेंट होंगे लेकिन इसके जस्ट बाद 2012 वाले स्टूडेंट का जो नंबर मिला है परसेंटेज देख सकते हैं स्टूडेंट 86% है, देन इनको यहाँ पे इनका बैच में इनको यहाँ पे मौका मिला है। आई होप आप समझ चुके होंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत समझना स्टूडेंट कि ईयर वाइज है तो हमारे परसेंटेज कम होंगे तो हमें यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो स्टूडेंट कट ऑफ बेस पे ही आपको यहाँ पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है। आई होप ये डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया है, क्यों मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था कि जब आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाए तो आप अपने परसेंटेज में फोकस करना स्टूडेंट, अपनी पढ़ाई में फोकस करना, क्योंकि आपको कोई भी यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए फाइट नहीं करना है, आपके परसेंटेज ही आपके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करेगी। आई होप ये तमाम डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट जिन्हें कोई कॉलेजेस एलोटेड नहीं हुए हैं, डोंट बी पैनिक स्टूडेंट, आप अगली बार प्रिपेयर करें। अगर आपको बीएससी नर्सिंग, जेएनएम, एएनएम या पैरामेडिकल का कोर्स करने के लिए अपना माइंडसेट बना दिया है, जून में आपका एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर आ जाएगा। जो गलतियाँ आपने 2022 में की है उन गलतियों को सुधार करके 2023
सकती है, इसमें अपना बेस्ट देना। आई होप आप ऐसे ही करेंगे। अनदर क्वेरी आपकी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।